रियाज कौसर मेमोरियल 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब कोहिफिजा भोपाल में संपन्न हुआ। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला सेवंथ स्काई और टीम तारिक एहवाज के बीच खेला गया, जिसमें तारिक एहवाज टीम ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। वहीं रनरअप टीम सेवंथ स्काई रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुनव्वर कौसर थे, जिन्होंने विजेता टीम को पुरस्कार 35,000 रूपये एवं ट्रॉफी और उपविजेता टीम को पुरस्कार राशि 11,000 रूपये एवं ट्रॉफी वितरित की एवं अन्य सभी खिलाड़ियों को भी मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि भविष्य में भी आप भारत का नाम सारी दुनिया में रोशन करेंगे। इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर सऊद और बेस्ट बैट्समैन फैजी एवं बेस्ट सीरीज ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अंशुल चौहान को दिया गया। बेस्ट शॉट्स इंडोर स्पोर्ट्स क्लब कोहिफिजा द्वारा 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भोपाल एवं अन्य जिलों से आई 24 टीमों के खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टूर्नामेंट के आयोजक शाहबाज कौशर एवं सुफियान अली ने सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो है स्वर्गीय रियाज कौशर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कोहिफिजा में हुआ था, जिसमें प्रदेश से 24 टीमों ने भाग लिया और इसमें विजेता टीम जो थी उसको 35,000 रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और सेकंड जो टीम थी उसको 11,000 रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया और काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा। सारी टीमों ने बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन किया और जो खिलाड़ी थे उनको भी मेडल पहना के सम्मानित किया और मैं खिलाड़ियों को तो शुभकामना देता हूँ और उनकी भविष्य में बहुत तरक्की करें। ख़ासतौर से बेस्ट शॉट जो इंडोर स्टेडियम है उनके संचालकों को भी शुभकामना देता हूँ कि वो खेल प्रेमियों के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो सम्मानित योग हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और जो खिलाड़ी जिस तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं मैं उनको भी शुभकामना देता हूं। इसमें जिन लोगों ने खेला है वो देश का और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें और भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर खेल में प्रथम रहे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।